इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस फोन लाइन पर सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर। देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे यही, 15 दिन बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, आप पहले दिन से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आप लोग इससे भी संतुष्ट नहीं दिखते? मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें बहुत देरी हुई है। ये समय पर नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देते तो शायद उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कहा जाता, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक ऑर्डर पास किया और सारे मसले को सीबीआई के पास पी के लिए भेजा, उसके बाद ये इस्तीफा आया है। इससे पहले तो हमने सबने ये देखा कि किस प्रकार से पूरी की पूरी सरकार इन लोगों के बचाव में उतरी थी और किस प्रकार से इनका बचाव किया जा रहा था, इनको डिफेंड किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये हमको इस बात का समाधान है कि इनका इस्तीफा आया, पर मैं मानता हूँ बहुत लेट आया है। सीएम को क्यों घेर रहे हैं आपने, मुख्यमंत्री को घेरा है, अब गृहमंत्री ने तो इस्तीफा, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए हमारे मांगने से वो कोई इस्तीफा वगैरह तो देने नहीं वाले, कम से कम मिनिमम हमारी अपेक्षा ये है कि आपके नाक के नीचे इतना सिंडिकेट चल रहा है, आपके नाक के नीचे लोग पैसा वसूली हफ्ता वसूली कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन चल रहा है और पुलिस एक्सटॉर्शनिस्ट बन रही है, ऐसे समय आप कम से कम जनता को आश्वस्त तो करें कि हम इसके ऊपर कोई उपाय करेंगे, हम किसी के ऊपर एक्शन लेंगे, उसकी जगह आप तो सबको शेल्टर करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट वो सामने आकर बयान दे और जनता के सामने दो बातें तो कहें। बयान चाहते हैं आप उनसे या आप उनसे इस्तीफा चाहते हैं देवेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि इसमें शरद पवार जी की भूमिका बिल्कुल गलत रही है, क्योंकि जब दूसरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से उनकी इंफॉर्मेशन गलत निकली और एक प्रकार से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही हम लोगों ने अनिल देशमुख का वीडियो जो है उसको चला दिया। तो मुझे लगता है कि आज जो नैतिकता की बात होती है हो रही है, ये उस समय अगर नैतिकता के आधार पर पवार साहब इनका इस्तीफा लेते या मुख्यमंत्री जी इनको बर्खास्त करते या इनका इस्तीफा मांगते तो ये सरकार नैतिकता से चल रही ऐसा होता है। ये नैतिकता का ढोंग है, नैतिकता की कोई बात नहीं है, पूरे तरीके से उनको बचाने की व्यवस्था इन्होंने की, बचाने का पूरा प्रयास किया। जब कोर्ट का आदेश हुआ तो जब शरद पवार को भी आप इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, उद्धव सरकार का खतरा लेकिन क्या टल गया? क्योंकि देखिए आप लोग गृहमंत्री पर ही आरोप थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, ये खतरा वगैरह तो कोई टला नहीं है, इसका कारण अभी तो शुरुआत हुई है। मैंने ये कहा था कि वाजे ये बहुत छोटा व्यक्ति है, इसके हैंडलर जो है वो सारे के सारे इसमें गवर्नमेंट में बैठे हुए है। अनिल देशमुख ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, अभी कई परतें खुलेगी, कई लोगों के चेहरे पर के नकाब उतरेंगे, पर्दे उठेंगे, कई लोग इसमें सामने आएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि सीबीआई का ये जो कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, ये इन्वेस्टिगेशन एक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो एक प्रकार की क्लिंजिंग एक्टिविटी होगी। पिछले एक सवा साल में मुंबई पुलिस के अंदर या महाराष्ट्र की पुलिस में जो तत्व एक प्रकार से तैयार हुए, जिन्होंने एक सिंडिकेट राज चालू किया और एक प्राइवेट आर्मी की तरह ये पुलिस का इस्तेमाल करना शुरू किया, ऐसे सब लोगों के चेहरे से नकाब हटेंगे। एनसीपी ही सिर्फ जिम्मेदार है या तमाम पार्टियों पर? देखिए आप बार बार ये कह रहे हैं फडणवीस जी की तमाम लोग घेरे में आएंगे, कई परतें खुलेंगी, परतें खुलने का क्या मत इशारा कर रहे हैं? एनसीपी तक ही मामला जाएगा क्योंकि गृहमंत्री एनसीपी के थे, या तमाम पार्टियों को घेर रहे हैं आप? देखिए तीनों पार्टियां इसमें बराबर की शामिल है, बराबर की हकदार है, और शिवसेना तो पल्ला झाड़ ही नहीं सकती क्योंकि इन सबको बचाने का काम ही शिवसेना ने किया है। वजे को तो लाने वाली ही शिवसेना है, वजे के तो जो जिनका आशीर्वाद उनको मिला है वही शिवसेना है, तो वो किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ सकती है? और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में सभी लोग जानते हैं कि जो कोई मुंबई की पोस्टिंग्स होती थी उस पोस्टिंग में अकेले एनसीपी थोड़ी थी, उसमें शिवसेना भी थी, चंद पोस्टिंग में कांग्रेस भी वहां पर थी, तो ये सारा जो सिंडिकेट चल रहा था ये कोई एक पार्टी का सिंडिकेट नहीं था, इस सरकार में बैठे हुए सारे पार्टियों के लिए के सिंडिकेट चला रहे थे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा है कि तीनों ही पार्टियां कटघरे में है, कई सारे गंभीर सवाल वो खड़े करते हुए इस वक्त महाराष्ट्र